साथ चलेंगे और
सब के अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वो क्यों आपको दिखाई देंगी, क्यों कि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं। प्रत्यक्षता चाहते हो तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे सभी आकर्षित होके सुते ही आएंगे। लेकिन सुनाए सुनाए आगे सुनाए, क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि खाना का ईर्ष्या और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि वेस्ट थॉट्स है बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द को बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाए। वो एक शब्द है क्यों, ये क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। और देखो क्यों शब्द इंग्लिश में लिखो कितना मुश्किल लिखा जाता है, और ए लिखो कितना सहज है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द की क्यों खत्म करो। तो जो आप सबकी आशय है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो हर एक के दिल में, बाप के सने का फ्लैग झंडा लहरावे और दिल और गीत गाए, दिल में गीत गाए, हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी वार्धक्यता का झंडा सबके दिल में ले रहे। तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे होगा, ये कह के की भाषा खत्म करके कह बोलना है तो कमाल, कह के नहीं करो। और हाथ उठाया, हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया, दिया ना, फिर हाथ उठाओ। देखो देख रही है दादिया, देख रही हूँ, ताली बजाओ। हिम्मत कभी नहीं हार, अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, पढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है कहते हो ना, साथ है नहीं कहते हो, कंबाइंड। तो ऐसे समय पर
कटी हुई चीज अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया तो अभी आपका नहीं हुआ। अमानत है तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में ख्यानत है, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती क्योंकि मेरी नहीं। तो आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं वहां बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन या सभी सेंटर क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? सभी सेंटर्स निर्विघ्न भवन के वरदानी बन जाए। पसंद है ना? कांधे लाओ, पसंद है। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि अभी अचानक सरकमटेंस ऐसे बनेंगे जो दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा। क्योंकि आप पूर्वजों पूछे भी हो, पूर्वज भी हो, तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टर्बेंस देख नहीं सकते। जिसे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकते। तो बाप समझते हैं किस समय आपको परिवर्तन करे इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रलोभन अभी से अनुभव करो। क्योंकि आपका सिखाने वाला समय नहीं है, समय आपका टीचर नहीं है। तो होली पर हर एक अपने रिजल्ट ज्यादा लंबा नहीं लिखना, पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जैसे आपको वरदान की चिटकी मिलती ना, कितनी छोटी होती है, उसमें ओके लिखो, ओके शब्द लिखना। अगर आप में पुरुषार्थ करते कुछ भी हुआ हो तो ओके के बीच में लाइन लगा। इसे है ना, इतना कागज वेस्ट नहीं करना। अगर ज्यादा बार, एक बार, दो बार, तीन बार लाइन लगा दे जाना। और होली के पहले मधुबन में भेज देना, भले इकट्ठे करके भेजो, टीचर भेजे, फिर बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाए। इसमें नंबर वन कौन? ये बाप दादा आपको पदम पदम गुना दिल के सने की सौगात देंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, डबल फॉरेनर्स नंबर लेंगे ना? यहाँ भी बैठिए, देखेंगे फॉरेन वाले नंबर लेते हैं या भारत वाले। अच्छे बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन
भगवान को नंबर तो लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन को काफी सभी बहुत जल्दी करते। तो अच्छा अच्छा चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी जो नहीं भी सुन रहे हैं वो मुरली द्वारा तो सुनेंगे। तो चारों ओर के पाप के सनेही सहयोगी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुना बधाइयां भी दे रही है, मुबारक भी दे रही, और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप बाप शिक्षक और सतगुरु है तो जैसे आपके जगदम्बा ने किया, दो शब्द में नंबर ले लिया, बाप का कहना और जगदम्बा का करना, ऐसे देवर पुरुषार्थ किया और नंबर लिया। आप सब भी मानते हो ना, तो आप भी फॉलो मदर जगदम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ बाप बच्चों को मालिक मन में देख नमस्ते कर रहे। बाबा सेवा का टर्न इंदौर और भोपाल का है, दो जोन इकट्ठे हैं, इंदौर और भोपाल उठेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। बाप दादा को हर जोन पर जिगरी सने। अबे बाप दादा ने पहले भी कहा है कि नंबर वन जोन वो बनेगा जिसमें वारिस बच्चे अधिक हो, क्योंकि वारिस क्वालिटी अपने राज में राज अधिकारी बने। अगर राज अधिकारी तैयार हो गए सब मिला के तो राज आने में कोई देरी नहीं लगे। अभी नंबर लेना। अच्छा बैठ जाओ। तो अच्छा, आज में भी मुबारक और बधाई मिली। अभी भी बाप दादा एक एक बच्चे का दिल में नाम ले पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाप के पास तो सभी बच्चों का चित्र वतन में इमर्ज है। तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया, दोनों को मुबारक। अभी आपके सामने बाप दादा
झंडा लहराएंगे, लेकिन आप सभी अपने स्थान पर बैठ करके, जैसे ही बाबा झंडा लहराएंगे अपने स्थान पर बैठ करके आप झंडियां हिलाएंगे।